कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मटेरियल चैप्टर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वाणी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2015 का ये डाटा हमें गिवन है। मंथली डिमांड ऑफ अल्फा, ठीक है, मंथली डिमांड दे रखी है कितने की, 1000 यूनिट्स की। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है ₹100। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है ₹15। ये हो गया सी, ये हो गया ओ, और मंथली डिमांड है यानी कि ए इज इक्वल टू हो गया आपका 1000 × 12। उसके बाद यहां पे दे रखा है नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज और मैक्सिमम यूसेज और रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड में देखो यहाँ पर दे रखा है 4 to 6 weeks, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये हो गया आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सबसे नंबर वन में हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ये तो सिंपल सा आपका निकल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे नंबर वन हम निकाल देते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO/C इज इक्वल टू 2 × में जो हमारी मंथली डिमांड है वो 1000 × 12 कर देंगे, ये पूरे साल की हो गई, और हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है 100 और डिवाइडेड बाय में सी दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर आया 186 यूनिट्स आपका अप्रोक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमसे बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हम निकालेंगे यहाँ पर नंबर टू रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, मैक्सिमम जो आपका रीऑर्डर पीरियड होता है। अब मैक्सिमम यूसेज क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितने की, 75 यूनिट्स, ठीक है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दे रखा है कितना, 6। यहाँ पर हम कर देंगे कितना, 75 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम यहाँ पर, 6 से, तो इज इक्वल टू 450 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है क्वेश्चन में क्या, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम लेवल इज इक्वल टू हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस में क्या, नॉर्मल जो आपकी यूसेज है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं क्या, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड से। ठीक है, अब यहां पर हमने कैलकुलेट करा, रीऑर्डर लेवल आया कितना, 450 माइनस में नॉर्मल यूसेज क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कितने की, 50 यूनिट्स, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मतलब एवरेज निकाल लेंगे 4 और 6 का, तो ये हो गया कितना, 50। यहाँ पे कर देंगे हम मल्टीप्लाई 4 + 6 / 2, ये हो गया 5, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 200 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है, हम यहां लिखेंगे क्या, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस में क्या, मिनिमम यूसेज और इनटू में मिनिमम पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल आया कितना, 450, और प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया 186, माइनस में मिनिमम यूसेज आया कितना, 25, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था, 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो आया 536 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो गया क्या, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आ गया कितना, हाफ ऑफ मिनिमम लेवल प्लस में मैक्सिमम लेवल। ठीक है, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का क्या, हाफ। मिनिमम लेवल कितना आया 200, मैक्सिमम लेवल कितना आया 536, तो ये हो गया
200 प्लस 536 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्व करने पर आंसर आया 368 यूनिट्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, और इजी ये तभी है जब आपको फॉर्मूले आते हैं, इसीलिए फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेना। अगर वीडियो नहीं समझ आई है, वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।